टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2020 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा हर वर्ष पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं, जिसमें पद्म विभूषण द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म भूषण तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और पद्मश्री चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित हमारा ये वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 4 युगल मामलों, एक युगल मामलों का मतलब एक पुरस्कार होता है जिसमें 2 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। युगल मामलों सहित कुल 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। इस वर्ष 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार पाने वालों में 33 महिलाएं शामिल हैं। विदेशियों की श्रेणी के अंतर्गत 18 व्यक्तियों NRI, PIO, OCI को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है और कुल 12 मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 7 पद्म विभूषण में से 4 मरणोपरांत, 16 पद्म भूषण में से 3 मरणोपरांत तथा कुल 118 पद्मश्री में से 5 मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि इस वर्ष कितने लोगों को पद्म विभूषण मरणोपरांत प्रदान किया गया है। उसका सही उत्तर था 4। ध्यातव्य है कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश के क्रमशः 2 और 3 सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं, जबकि भारत के नागरिक पुरस्कारों में 4 सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री है। आइए देखते हैं पद्म विभूषण जिनको प्राप्त हुआ है उनके नाम। इस वर्ष कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत राजनीति के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है और इनका संबंध बिहार से है। श्री अरुण जेटली, इनको भी पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया, ये राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है और स्थान दिल्ली है। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ GCSK राजनीति के क्षेत्र में मॉरिशस से संबंधित हैं, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया गया। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। श्रीमती MC मैरीकॉम खेल क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया, जानी मानी बॉक्सर हैं भारत की और इनका क्षेत्र खेल रहा और स्थान मणिपुर है। श्री छन्नूलाल मिश्र कला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती सुषमा स्वराज मरणोपरांत राजनीति क्षेत्र में दिल्ली से पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी श्री पजवरा अधोखज मठ उडुपी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अन्य आध्यात्मिकता क्षेत्र में कर्नाटक से इनका संबंध है।
इस वर्ष कुल 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें श्री एम मुमताज अली आध्यात्मिकता क्षेत्र में केरल से, श्री सैयद मुअज्जम अली मरणोपरांत राजनीति क्षेत्र से बांग्लादेश, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग राजनीति के क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर, श्री अजॉय चक्रवर्ती कला क्षेत्र पश्चिम बंगाल, श्री मनोज दास साहित्य एवं शिक्षा पुदुचेरी, श्री बालकृष्ण दोषी अन्य वास्तुकला क्षेत्र से गुजरात के हैं, सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन सामाजिक कार्य इनका क्षेत्र है तमिलनाडु से हैं, श्री एस सी जमीर क्षेत्र राजनीति नागालैंड से हैं, श्री अनिल प्रकाश जोशी सामाजिक कार्य उत्तराखंड, डॉक्टर सेरिंग लैंडोल चिकित्सा क्षेत्र लद्दाख, श्री आनंद महिंद्रा व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र, श्री नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन मरणोपरांत पद्मभूषण से नवाजा गया राजनीति क्षेत्र केरल, श्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर पूर्व रक्षा मंत्री मरणोपरांत राजनीति क्षेत्र गोवा, प्रोफेसर जगदीश सेठ साहित्य एवं शिक्षा अमेरिका, सुश्री पीवी सिंधु खेल तेलंगाना, श्री वेणु श्रीनिवासन व्यापार एवं उद्योग तमिलनाडु। इन 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 महिला खिलाड़ियों को इस बार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण से एमसी मैरीकॉम को सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से पीवी सिंधु जो कि भारत की सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में। इस वर्ष कुल 118 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस बार विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले 118 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया। इनमें लंगर बाबा के नाम से प्रसिद्ध जगदीश लाल आहूजा, 21,000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ, कश्मीर में दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले जावेद अहमद टाक, जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया के रूप में जानी जाने वाली तुलसी गौड़ा शामिल हैं। इस वर्ष 1984 भोपाल गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले एक्टिविस्ट अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री अब्दुल जब्बार की 14 नवंबर 2019 को मृत्यु हो गई थी। पद्मश्री सम्मान पाने वाली शख्सियतों में अदनान सामी, करण जौहर, कंगना रनौत, एकता कपूर, सुरेश वाडेकर बॉलीवुड क्षेत्र से हैं, उद्योगपति भरत गोयनका, हॉकी खिलाड़ी जीतू राय, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत, जगदीश लाल आहूजा, मोहम्मद शरीफ, जावेद अहमद टाक, तुलसी गौड़ा, सत्यनारायण मुंदयूर, अब्दुल जब्बार, उषा चौमार, पोपट राव पवार, हरेकाला हजब्बा, अरुणोदय मंडल, राधामोहन और साबरमती युगल रूप में, कुशल कोनवार शर्मा, त्रिनीति सावो, रवि किन्नन, यस रामकृष्णन, सुंदरम वर्मा, मुन्ना मास्टर, योगी आर्यन, राहीबाई सोमा पोपेरा, हिम्मत राम भांभू, मोजिकल पंकजाक्षी इत्यादि शामिल हैं और ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले हस्तियां हैं। इनको परीक्षा की दृष्टिकोण से याद रखिएगा। यहां चित्र के माध्यम से सभी 118 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दर्शाया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप एक बार इन सभी नामों को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप देख सकते हैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल व्यापार एवं उद्योग दिल्ली, श्री खान जहीर खान बख्तियार खान खेल क्षेत्र महाराष्ट्र, श्री बॉब ब्लैकमैन राजनीति ब्रिटेन, सुश्री इंदिरा पी बोरा कला क्षेत्र असम, सुश्री उषा चौमार सामाजिक कार्य राजस्थान, श्री लील बहादुर छेत्री साहित्य एवं शिक्षा असम, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच कला क्षेत्र मध्य प्रदेश, सुश्री लिया डिस्किन सामाजिक कार्य ब्राजील, श्री एपी गणेश खेल कर्नाटक, जैसे कतिपय नाम है। यहाँ और आगे आप सभी 118 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को देख पाएंगे। प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं, जैसे किसी भी पद्मश्री पद्मभूषण या पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम और उनका क्षेत्र का सुमेलन आपसे पूछा जा सकता है, या उनका राज्य आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अगर वो विदेशी हैं तो उनका देश आपसे पूछा जा सकता है। कि जैसे सुश्री लिया डिस्किन जिनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से नवाजा गया, किस देश से संबंधित हैं।
तो आप देख सकते हैं ये ब्राजील की है। इस प्रकार से प्रश्न यहां से बन सकते हैं। देखते हैं श्री यादला गोपाल राव कला आंध्र प्रदेश, सुश्री मीनाक्षी जैन साहित्य एवं शिक्षा दिल्ली, श्री करण जौहर कला क्षेत्र महाराष्ट्र, सुश्री सरिता जोशी कला क्षेत्र महाराष्ट्र, श्री नवीन खन्ना विज्ञान एवं इंजीनियरिंग दिल्ली, श्री मनमोहन महापात्रा मरणोपरांत कला क्षेत्र ओडिशा, श्री मुन्ना मास्टर कला क्षेत्र राजस्थान। सभी 118 नामों को अगर मैं बोलूंगा तो समय बहुत अधिक लगेगा, इसलिए मैं कुछ ही महत्वपूर्ण नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। श्री शिवदत्त निर्माही साहित्य एवं शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर, श्री जीतू राय महत्वपूर्ण हमारे लिए खेल क्षेत्र उत्तर प्रदेश, श्री एस रामाकृष्णन सामाजिक कार्य तमिलनाडु, सुश्री रानी रामपाल खेल क्षेत्र हॉकी खिलाड़ी है भारत की प्रसिद्ध हरियाणा, कंगना रनौत कला क्षेत्र महाराष्ट्र, आरओ 2016 का जो री एग्जाम हुआ है 2020 में 20 सितंबर को उसमें प्रश्न पूछा भी गया है, ये प्रश्न पूछा गया था और एक प्रश्न पूछा गया था कि कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया, तो मैं पहले बता चुका हूं कि 4 व्यक्तियों को इस वर्ष पद्म विभूषण मरणोपरांत प्रदान किया गया, 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया और 5 व्यक्तियों को पद्मश्री मरणोपरांत प्रदान किया गया है, 33 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, कुल 141 में से पद्म विभूषण पद्मभूषण और पद्मश्री मिलाकर कुल 141 महिलाओं को इस वर्ष पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। श्री रामजी सिंह सामाजिक कार्य बिहार, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग बिहार से संबंधित है, पद्म पुरस्कार से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री सुंदरम वर्मा सामाजिक कार्य राजस्थान, श्री सुरेश वाडेकर प्रसिद्ध गायक कला क्षेत्र महाराष्ट्र, श्री प्रेम वत्स व्यापार एवं उद्योग कनाडा। ये कुल 118 नाम हैं, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार 2020 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? विकल्प ए 141, बी 140, सी 135 या फिर विकल्प डी 112। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 141। पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री मिलाकर कुल 141 लोगों को इस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा की? विकल्प ए 4, बी 5, सी 6 या फिर विकल्प डी 7। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 7 व्यक्तियों को। तीसरा प्रश्न, केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया? विकल्प ए 7, बी 10, सी 15 या फिर विकल्प डी 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 16। चौथा प्रश्न, केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड अर्थात पुरस्कार वर्ष 2020 में देने की घोषणा की? विकल्प ए 16, बी 106, सी 118 या फिर विकल्प डी 180। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 118। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? विकल्प ए 4, बी 3, सी 2 या फिर विकल्प डी 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 4। उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का जूरी एग्जाम सितंबर 2020 में हुआ 20 तारीख को, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्ष 2020 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? ध्यान रखेंगे जब हम लोग पद्म पुरस्कार कहते हैं तो सम्मिलित रूप से तीनों पद्म पुरस्कारों को शामिल किया जाता है। विकल्प ए 35, बी 42, सी 33 या फिर विकल्प डी 37। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 33।
25 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस वर्ष राष्ट्रपति ने 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। कथन दो है, इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। कथन तीन, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विकल्प चार, प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1, 3 और 4। विकल्प बी, केवल 3 और 4। विकल्प सी, केवल 1 और 4। या फिर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, चारों कथनों को देखेंगे आप। कुल 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी, कथन एकदम सही है। 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, यह कथन गलत है, क्योंकि इस वर्ष कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया, जिसमें से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। यह कथन गलत है, यानी कि दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण, कथन एकदम सही है। प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को पद्म विभूषण, यह भी कथन एकदम सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, केवल 1, 3 एवं 4। देख लेते हैं, प्रश्न का सही उत्तर भी विकल्प ए ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? विकल्प ए, आनंद महिंद्रा। बी, मैरीकॉम। सी, पीवी सिंधु। या फिर डी, एससी जमीर। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप भी समझ रहे होंगे। बॉक्सर मैरीकॉम को पद्म भूषण नहीं बल्कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए, वास्तुकला। बी, खेल। सी, साहित्य और शिक्षा। डी, सामाजिक कार्य। मैंने नाम लिया भी था, आपको पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क। अगला प्रश्न है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? विकल्प ए, भारत के राष्ट्रपति। बी, भारत के प्रधानमंत्री। सी, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो के आरंभ में ही मैंने बताया था कि पद्म पुरस्कार मार्च अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं और भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? विकल्प ए, श्री छन्नूलाल मिश्र, कला। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, GCSK, सार्वजनिक मामले अथवा राजनीति। विकल्प सी, श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, साहित्य और शिक्षा। विकल्प डी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत, सार्वजनिक मामले अथवा राजनीति। पूछ रहा है कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो इसका जो विकल्प सी है, श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, जिन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया है मरणोपरांत, इनका क्षेत्र साहित्य और शिक्षा न होकर अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। और अगला प्रश्न है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो तीसरा बड़ा पद्म पुरस्कार पद्मश्री होगा, ये चतुर्थ सर्वोच्च भारत का नागरिक सम्मान भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए 1948, बी 1954, सी 1965 या फिर विकल्प डी 1985। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1954। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है? हैं, अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं। दूसरा कथन है, पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष किया जाता है। विकल्प हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर विकल्प डी, ना तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए,
क्योंकि सही कथन पूछा है, तो विकल्प ए सही है और सॉरी कथन ए एक सही है और कथन दो गलत है यहाँ पे। तो विकल्प ए सही होगा, केवल कथन एक सही है, क्योंकि पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। सही उत्तर विकल्प ए। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? विकल्प ए कंगना रनौत, बी प्रियंका चोपड़ा, सी माधुरी दीक्षित या फिर विकल्प डी शिल्पा शेट्टी। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कंगना रनौत। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ 2016 का री एग्जाम 2020 में पूछा गया था, विकल्प ए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।